अलवर पुलिस ने वो एलेक्स वाहनी ट्रैप कर ठगी करने के मामले का किया पर्दाफाश। 11 आरोपी गिरफ्तार। अब तक कर चुके हैं 80 लाख रुपए की ठगी की वारदात। अलवर शहर की शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने वो एलेक्स पर ठगी करने और हनी ट्रैप कर पैसे मांगने वाले गैंग का पर्दाफाश कर 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के समक्ष आरोपियों ने अभी तक 80 लाख रुपए की ठगी करने की वारदात कबूली है। अलवर के सहायक पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर टेलको सर्किल के समीप एक बोलेरो गाड़ी में सवार 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में इन्होंने ओएलएक्स पर आर्मी की फर्जी आईडी बनाकर ठगी करने और लड़कियों की अश्लील वीडियो दिखाकर लोगों से रकम ऐंठने की वारदात करना कबूल किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से गाड़ी, 27 फोन और लैपटॉप भी बरामद किया है। शिवाजी पार्क पुलिस और साइक्लोन सेल की ओर से यह संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। यहां बता दें कि मेवात में लड़कियों की आवाज़ अश्लील फोटो व वीडियो दिखाकर उगाही करने का खेल बड़ी जोर शोर से चल रहा है और इसमें मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सहित कई प्रदेशों में वारदात करना देखिए आईजी साहब, एसपी मैडम और एडिशनल एसपी मैडम के निर्देशन में साइबर ठगों और ऑनलाइन ठगी के खिलाफ एक अभियान बना किया जा रहा है, जिसके तहत एक विशेष टीम का गठन किया गया है। उसी के क्रम में कल शाम करीब 6 बजे हमें सूचना मिली थी कंट्रोल पे कि 10-12 साइबर ठगों की एक टीम है जो एक बिना नंबरी सफ़ेद रंग की बोलेरो से शहर की तरफ आ रही है। ये सूचना मिलने पर डीएससी टीम और थाने की टीम के द्वारा नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी टेलको पॉइंट पे की गई थी, तो वहाँ पे नाकाबंदी को देखते हुए उन्होंने हनुमान ये ओवरब्रिज की तरफ जो है भागने की कोशिश की, तो उसी में घेराबंदी करते हुए टीम ने उनको पकड़ लिया और बाद में थाने पे लाके उनसे पूछताछ की गई और पूछताछ में सामने आया कि उनके पास करीब 11 अभियुक्त थे। ये इनके पास करीब 27 मोबाइल फ़ोन, एक लैपटॉप जब्त हुआ और प्रथम दृष्टा तौर पर अभी तक की गई जानकारी के मुताबिक करीब 80 लाख रुपए तक की ये ठगी लोगों से कर चुके थे। किस तरह से सर ठगी करते थे, कोई था? इनके दो तरह के मॉडल्स ऑपरेंडी हैं, जिसमें एक में ये लोग ओएलएक्स के ऊपर एडवर्टीजमेंट डालते हैं और लोगों को कुरियर चार्जेस और इस तरह के चार्जेस बता के उनसे पैसे ऐंठते हैं। इसमें ये विशेष तौर पर आर्मी के और डिफेंस के लोगों की आईडीज़ को इम्पर्सनेट करते हैं और उनकी फ़ोटोज़ को शो करके ऑथेंटिकेट करने की कोशिश करते हैं और उससे फिर लोगों को ठगते हैं। एक ये है। दूसरा जो तरीका आजकल काफ़ी यूज़ कर रहे हैं ये, वो ये है कि ये किसी भी लड़की की उनको मोबाइल न्यूड वीडियो क्लिप मिल जाती है और उस वीडियो क्लिप के साथ लोगों के साथ चैटिंग करते हैं। अब वो चैटिंग करने के लिए क्या करते हैं कि फेसबुक पे जनरली एक प्रोफाइल बनाते हैं लड़कियों की और वहाँ से अनजान लड़कों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। जब ये देखते हैं कि वो हनी ट्रैप हो गए हैं तो उनको व्हाट्सएप पर लेके आते हैं और व्हाट्सएप पर उनके साथ वीडियो कॉलिंग के बहाने उनके साथ एक न्यूड क्लिप बना लेते हैं और उसके बाद ये लोगों को पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए मजबूर करते हैं। इसमें परेशानी ये होती है कि जिसकी वीडियो क्लिप बन गई है वो भी शर्म के मारे या किसी भी और कारण से रिपोर्ट तक नहीं करता है और ये उनसे पैसे बार बार 5,000, 10,000, 20,000 इस तरीके से मांगते हैं। केरल की साइड के रहने वाले हैं, करीब अभी जो ये साइबर ठग थे ये बेसिकली सेमला और कैमासा गांव के मिले हैं जो गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में पड़ता है, तो यही ज़्यादा बड़ा जोन है जो भरतपुर के साथ लगता है। नाम तो डिटेल लिस्ट रहेगी, वो उसमें मेंशन कर दिया जाएगा।